अंडरग्राउंड फूड थीफ। जबरन नाम के एक शहर में मुकेश नाम के एक व्यक्ति को बिज्जू नाम का एक दोस्त था। बिज्जू और मुकेश दोनों को घर का भाड़ा भरना मुश्किल होने के कारण गांव के बाहर एक खाली जगह में अंडरग्राउंड खोदकर उसमें रहने लगे। मुकेश काम पे जाता था मगर बिज्जू हर दम कोई ना कोई चोरी करके अरेस्ट होते रहता था। बेचारा मुकेश उसे छुड़वाते रहता था। एक बार घर में मुकेश बिज्जू से, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? भाड़े के पैसे नहीं है इसलिए हम अंडरग्राउंड में जी रहे हैं। कोई काम कर सकते हो ना? हर दम चोरी करते हुए पकड़े जाते हो और बहुत मेहनत करे जैसे बिल्डअप देते रहते हो, कहा बिज्जू तब। क्यों रे, परसों छुड़वाए हो कहकर अब मुफ्त में सलाह दे रहे हो क्या? चोरी करना आसान काम है सोच रहे हो क्या? मैं चोर हूँ इसलिए चूहे के बिल के जितने इस अंडरग्राउंड में घर बनाकर जी रहे हैं, उस क्रिएटिविटी को तुम जान नहीं पा रहे हो, कहा मुकेश तब। मैं भाड़े के बारे में सहमत हूँ मगर ऐसे चोरी करते हुए पकड़े जाकर भी तुम्हारा अकड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही चला तो मैं दूसरा रूम देख लूंगा, कहा बिज्जू तब। ठीक है यार, तो एक काम करेंगे, चोरी करना बहुत आसान है कह रहे हो ना, तो एक काम करो, तुम चोरी करके एक महीने तक मुझे खाना खिलाओ, बस तब मैं तुम्हारे कहे जैसे करूँगा, नहीं तो मेरी बात तुम्हें सुननी होगी, क्या कहोगे? कहा मुकेश तब। करूँगा रे करूँगा, मैं तुम्हारे जैसा कमीना नहीं हूँ, दोस्त के भलाई के लिए रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें तरह तरह के भोजन चुरा कर लाकर दूंगा, अच्छे से बैठकर खाओ, बाहर गए तो चुप नहीं रहूंगा, कहा। अगले दिन से मुकेश रात के समय अलग अलग दुकानों में मास्क पहनकर घुसकर खाने के पदार्थों को चुराकर बिज्जू को लाकर देने लगा। बिज्जू उन्हें हंसी खुशी से खाने लगा। ऐसे 15 दिन बीते। बाद में बिज्जू अपने मन में, बाप रे, लगता है ये मुकेश साधारण आदमी नहीं है, यूं जाकर यूं चोरी करके ला रहा है, एक बार भी पकड़े नहीं गया, किसी भी तरह इसे फंसाए तो वो मेरे कहे जैसे सुनेगा, तब दोनों मिलकर किसी बैंक को लूटे तो सेटल हो जाएंगे, एक चोर को दूसरे चोर का साथ मिलना बहुत अच्छा होगा, सोचा। बाद में रात के समय मुकेश जब चोरी करने निकला था तब बिज्जू भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करने लगा। मुकेश अपने चेहरे पे मास्क पहनकर मिठाई के दुकान में चोरी करने गया। बाद में थोड़े स्वीट्स चोरी किया। बिज्जू उसके पीछे धीरे धीरे आकर सीसी कैमरा के पास जोकर के जैसे नाचते हुए चिढ़ाते हुए जाने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीते। मुकेश जिस भी दुकान में जाता तो उसके जाने के बाद बिज्जू उसके पीछे आकर सीसी कैमरा के पास डांस करके उन्हें चिढ़ाकर जाता था। ऐसे थोड़े दिन चलने लगा। एक बार थोड़े पुलिस वाले मुकेश के काम करने वाले दुकान के पास आए। मुकेश और बिज्जू दोनों के चोरी करने वाले वीडियो को दिखाए और मुकेश से कांस्टेबल, तेरे बिज्जू के कारनामे देख रहे हो ना, ये दूसरे आदमी के साथ मिला है, वो मास्क पहना हुआ है, दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं, उस आदमी को तो डर है मगर इस बिज्जू को बिल्कुल डर नहीं है, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे कहकर सोच रहा है, तुम्हें देखकर ही ये सब कर रहा है, इस बार वो दिखा तो मुझे बोलो, कम से कम एक साल तो भी उसे अंदर कर दूंगा, कमीना कहीं का, इसके वजह से ही एसएजी हमें मर्जी आए जैसे गाली दे रहे हैं, जानते हो, कहकर गुस्से से चला गया। ये सुनकर मुकेश को गुस्सा आया और वो तेजी से अंडरग्राउंड में गया। वहां पर बिज्जू मुकेश के लाए खाने को बड़े आराम से खा रहा था। ये देखकर मुकेश गुस्से से बिज्जू को पकड़कर खूब मारा। बाद में मुकेश बिज्जू से, क्यों रे गधे, तुम्हारे लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो तुम मुझे ही फंसाने की कोशिश करोगे, देखो आखिरी बार बोल रहा हूँ, एक और बार चोरी किए तो पुलिस वाले नहीं मैं ही तुम्हारी हड्डी फसली तोड़ दूंगा, कहकर वार्निंग देकर चला गया। बाद में बिज्जू को अपने गलती का एहसास हुआ और वो चोरी करना बंद कर दिया।